ये क्या है कुकी? तुम ये प्याज निकाल के लेके आई हो? अब मुंह में प्याज लगा था, ये प्याज निकाल के लेके आई हो तुम? ए, हाँ, समझ में नहीं आता। अरे ये खा भी रही छिलका। खराब है ना बेटा। प्याज कभी कभी आलू पूरा निकाल के लेके आती है यहाँ से। ए, तो भाई तेरी हिम्मत में। ए कुकी कुकी ना, रुक 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 रुक, ये क्या है? हाँ, ये किसने लाया? ये तुम्हारे खाने की चीज है कुकी। रुको रुको रुको, ये क्या है? ये तुम्हारे खाने की चीज है। हाँ, ये क्या है? ये तुम्हारे खाने की चीज है। निकालो मुंह से, निकाल अब। ये खाने की चीज है। हाँ, ये क्या है? कुकी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो ये विवेक कुकी को प्यार कर रहे हैं, क्योंकि देख सकते हैं कुकी कैसी उदास पड़ी हुई, क्योंकि मैंने पिटाई लगाई है। आपने देखा था, प्याज खा रही थी, और इसका बाप जाके उसको मना रहा है प्यार से। गंदे लोग प्याज खाते हैं ना, हम लोग गंदे लोग हैं। कुकी अच्छी है, कुकी प्याज नहीं खाएगी। कोई बात नहीं, मम्मा ने मारा था, पापा से प्यार कर रहा, पूछ भी नहीं हिला रही है। आप ही तो ऐसे बिगाड़ते हैं इसको, ऐसे कर करके आपने ही बिगाड़ा है उसको। गलती करती है और आप जाकर उसको प्यार से मनाते रहते हैं उसको। प्यार नहीं करते, किसको प्यार करे? तुमको देख दे, कैसे बदमाशी करती है लड़की। बदमाशी करते, फिर प्यार का भी हक बनता है इसका। मैं दिखा देती हूँ, बजने वाले हैं कितने, दो, दोपहर के 2 बजने वाले हैं। मेरा खाना चढ़ गया है और ये पड़ी है मेरी कुकड़ी, जो कि जब मैं खाना बनाती हूँ तो ऐसी पड़ी रहती है। और वो उसका रखा है खाना, जो कि वो नहीं खा रही है। और मैं दिखा दूँ, ये मैंने दाल बना लिया है जिसको भी मैं फ्राई करूँगी। चावल चढ़ चुका है, अंडे की भुर्जी बनाऊँगी, और विवेक आने का टाइम हो गया है, तो ये बनाया है मैंने नींबू पानी। क्योंकि आपने देखा होगा कि दोपहर का टाइम है, तो कुछ कुछ मिक्सअप मिक्सअप मैं जूस वो करती ही रहती हूँ। कभी ग्लूकोंडी के साथ ग्लूकोंडी पिलाती हूँ, कभी कुछ शेक बना के पिला देती हूँ, तो कभी वाटरमेलन जूस बना के पिला देती हूँ, कभी कभी कुछ तो कभी कुछ। तो नींबू रखा हुआ था, तो मैंने सोचा बहुत अच्छा होता है, तो ये मैं नींबू बना के रखती हूँ। इनका आने का टाइम हो गया, तो जैसे आएंगे तो मैं उनको पिलाती हूँ ये नींबू पानी। क्या हो तुम, मेरे को क्यों देखती हो? क्या हम खोल के देखें तुम्हारा? हाँ, हम खोल के दें क्या? बोलती खोल दो खोल दो खोल दो, आइए। जाओ, ये क्या क्या लेके आ गए हैं? अंडा, दूध, दही, ब्रेड सब ले आए क्या? और वो फिनाइल, फिनाइल भी। परेशान किया था ना कुकी को? हाँ, सब कुछ लिया, सब्जी नहीं मिला। सब्जी नहीं मिला तो बुलाने की जरूरत क्यों? मैंने आपको साफ साफ मना किया था ना, मैंने सिर्फ दही का बोला था, क्योंकि दही आपको दोपहर में देना है। वो तो ठीक है, तो आप सब्जी नहीं मिला तो आप सब्जी लेने गए थे क्या? आ रहे थे तो सब्जी नहीं, रास्ते में दिखता तो ले आते। ये तो बिल्कुल लेट भी हो रहा था, मुझे समझ में आ गया, सामान मान लेके आ रहे हैं क्या? क्योंकि मैं जाती ना, मैं शाम को सारा सामान ले ही आती, मैं नहीं चाह रही थी कि आप सब लेके आ रहे। अरे 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 अरे, पापा क्या लाए हैं, क्या लाए? अरे 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 अरे, बिल्कुल पिला रही, बिल्कुल पिला रही, 2 मिनट रुको, तो मुझे पता आप थक के आए, दोपहर में आए, बिल्कुल पानी पिलाती हूँ आपको। नींबू पानी बना के रखे, पी के देखिए, विटामिन सी। तो नींबू पानी से गोली खाएंगे, क्या कर रहे हैं ये? तो क्या हो गया, ये क्या होता है, गोली नींबू पानी से खा रहे हैं? तो थक के आएंगे, इसलिए मैंने आपको दिया था। कैसा लगा पी के? खाने से पहले दवा खाना है ना, तो उसको खा लेता हूँ। हाँ। और नींबू मैंने नेट पे देखा, मतलब तो मेरे लिए नींबू, ऑरेंज, संतरा, जो भी बोले हिंदी में, बहुत फायदेमंद है। ठीक है, पीछे और ला के देती हूँ मैं। तो ये क्या क्या लाए हैं मैं दिखा देती हूँ। ये ब्रेड है, और ये दही है भैया 1 kg, और ये अंडा है। ये कैसे लटका हुआ, कहीं गिर गिर ना जाए। एक सेकंड, इसको मैं अच्छे से कर लूँ। ये अंडा है, ब्रेड है, और ये दूध का पैकेट है। और ब्रेड, डॉक्टर ने ब्रेड भी खाने के लिए बोला है, बहुत अच्छा है, पास्ता वगैरह सब खाने के लिए बोला है, तो पास्ता भी बनाऊंगी। ब्रेड भी मैं सोची हम हमेशा घर पर रहेगा, ताकि अंडा ब्रेड या ब्रेड हमेशा नाश्ते पे देती रहूं। और ये दिखा देती हूँ मैं, ये मेरा एक जगह है, ये अंडे की भुर्जी के लिए प्याज फ्राई हो रहा है, और एक ये दाल फ्राई के लिए प्याज फ्राई हो रहा है।
और ये जो दाल है मैं दिखा दूँ, ये दाल आज मैंने वो उड़द की दाल छिलके वाली होती है ना, आज वो वाला बनाया है। और ये अंडा मैंने फेंट लिया है जो कि अंडे की भुर्जी बनाऊंगी। और मेरे खाने में दूध दही अंडा हमेशा अवेलेबल रहेगा। शाम को जाके पनीर वगैरह ले आऊँगी क्योंकि इनके लिए अब जो जो ज़रूरी है ना, अब वो सारी चीज़ें आएंगी, सारी चीज़ें इनकी डाइट में होंगी। खबर से नहीं खाते हैं, बहुत मकचुप करते हैं, लेकिन मैं अभी स्ट्रिक्टली इनको हर चीज़ खिला रही हूँ। लग चुका है, मैं लगा दी हुई थी कब से, आप पूरा पानी भरने लग गए थे ना। ये देखिए अंडे की भुर्जी, और ये मेरे लिए स्पेशली दही, और ये है हमारे छिलके वाली मूंग की दाल है क्या? नहीं, उड़द की दाल होती है। गरम है ना, इसी तो मैंने कपड़ा लगाया था, ज्यादा गरम था ना। ये उड़द की दाल है, मस्त। हाँ, हम लोग खाने। हाँ, फिर मिलते हैं आपको इवनिंग में। ये दोस्तों तो शाम का टाइम हो चुका है, मैं दिखा दूँ, ये बन रहे हैं मेरे ब्रेड के पकौड़े। और ऑलरेडी ये एक्स्ट्रा बन गया था तो ये मैं उसे फ्राई कर रही हूँ, और ऑलरेडी पकौड़े बन के तैयार हैं जो कि मेरे पति जी चख रहे हैं और साथ में कॉफ़ी पी रहे हैं। और ब्रेड दिखाई दे रहा, ब्रेड के पकौड़े दिखाई दे रहा, ये देखिए इसका इंजॉयमेंट ले रहे हैं। अच्छा, टेस्टी है। बढ़िया है? हाँ, बढ़िया है। ये टीशर्ट रिजेक्ट, इस टीशर्ट को रिजेक्ट करने से कोई मतलब नहीं, हर आपके टीशर्ट से पेट झड़कता है, कोई मतलब नहीं। ट्रिपल एक्सल, ट्रॉपर एक्सल, जितना भी करेंगे पेट झड़क के दिखेगा ये। तो दोस्तों, तो हम लोग अभी कर रहे हैं नाश्ता, फिर करने के बाद थोड़ी सब्जी वगैरह नहीं है मेरी, टमाटर वगैरह खत्म हो गया है, कुछ मिक्स वेजिटेबल्स वगैरह खत्म हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ जाके ले आती हूँ, और पनीर भी नहीं है तो पनीर जाके मैं लेते आती हूँ। नहीं, जरूरी है तो जरूरी है, तो मैं अभी निकलूंगी नाश्ता करके, निकलूंगी तो मिलती हूँ आपसे बाद में। हे दोस्तों, तो रात का टाइम हो चुका है, 10:30 से ऊपर बज चुके हैं, हम लोग का कोई खाने का मूड नहीं हो रहा था, मतलब कि अनबन कर रहे थे कि जब भूख लगेगी तब खाएंगे तब खाएंगे, तो बना के मैंने रख दिया था, और कुछ खास खाने का मन भी नहीं कर रहा था। तो आज खाने का प्लान है दूध तो की है ही, डेली इनको दूध देना ही देना है। तो मैंने क्या किया था कि रोटी को बना के थोड़ा सा भिगो के रख दिया था, और इसमें थोड़ा शक्कर भी डाल दिया है, तो दूध रोटी खाएंगे आज हम लोग, दूध रोटी खाएंगे। और सुबह का थोड़ा दाल भी रह गया है, ये दाल रखा है, तो थोड़ा सा मैंने 4 रोटी बचा दी थी क्योंकि इनको थोड़ा खाने की भी आदत है, नमकीन के साथ भी खाने की आदत है, तो ये थोड़ा दाल के साथ रोटी भी खा लेंगे। और लास्ट में क्या भाग यहाँ से, दाल रोटी को खा पाएगा तो ठीक है, मैं खा लूंगी दाल रोटी, मैं खा लूंगी, तो वो डिसाइड करेंगे क्या कैसे खाना। तो दोस्तों, फटाफट में खाना लगाती हूँ, फिर हम मिलते हैं खाने पे। तो हम लोग का खाना लग चुका है, दूध रोटी और दाल रोटी है, क्या क्या मन करेगा तो दाल रोटी भी खा लेंगे, दूध रोटी खाएंगे, आप नहीं खाएंगे है ना, आपको तो अच्छी लगती है दूध रोटी, दूध रोटी तो एंजॉय करिए कम से कम। सब अच्छी लगती है, इसको खाना बनाने का मन नहीं था। नहीं, फिर से इल्जाम मत थोपिए, क्या खाने का ही मन नहीं था, ये तो बोल रहे थे कि रोटी कुछ बनाओ ही मत, अपन दूध ब्रेड खा लेंगे। बोले नहीं, फिर उन्होंने बोला कि चावल बना दो, अपन दूध भात जैसा खाते हैं। बोले नहीं, स्मार्ट लगता है। हाँ, कि स्मार्ट लगते हैं बड़े होशियार, तो मैंने सोचा नहीं, हाँ तो वही मैं सोची लापरवाही नहीं करते हैं, मैं तो रोटी बना देती हूँ, दूध रोटी खा लेंगे, वो हेल्दी होगा, अच्छा भी होगा। तो दोस्तों, हम लोग खाएंगे, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, जो करना होगा करेंगे। तो हम मिलते हैं आपसे कल, आई होप कि हम लोग के ब्लॉग्स आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली पाद के जाता है ये। हाँ, नहीं तो कोई बुलेट रखा ढौ करके तो मेरे कुकी बेचारी डर जाती है। आई होप कि हम लोग के ब्लॉग आपको पसंद आते होंगे, ये तो बोल चुकी ना मैं। तो दोस्तों, हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।